नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो देखने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अच्छे प्रकार से देख लेना, क्योंकि उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन हो जाता है। तो भाई आपको याद तो करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी वाइज वही दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है भारत में तुर्कों की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। जो तुर्क था मोहम्मद गौरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, इनके बारे में यहां पर देखना है, तुर्क कौन था, मोहम्मद गौरी था, गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो यहां पर जो मोहम्मद गौरी के सफलता के जो कारण होते हैं, तथा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भारत राजपूतों की पराजय के कारणों की समीक्षा कीजिए, क्योंकि जो तुर्क जो मोहम्मद गौरी था उसने किसको पराजित किया था, राजपूतों को। ठीक है, तो कह सकते हैं यहां पर क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि राजपूतों की पराजय के कारणों की समीक्षा कीजिए, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है भारत में राजपूतों की पराजय तथा तुर्कों की सफलता के कारण लिखिए, है ना। क्वेश्चन सब वही है, मोहम्मद गौरी और राजपूतों से संबंधित। तो पहला जो आपका हो जाता है क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, उसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना। ठीक है, जो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं फटाफट, उत्तर डालेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे, तुर्कों ने मोहम्मद गौरी के शासनकाल में, किसके, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में पेशावर से बंगाल तक विशाल प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया। कहां से, पेशावर से कहां तक, बंगाल तक विशाल प्रदेश अधिपत्य स्थापित किया। तुर्कों की इस सफलता के निम्नलिखित कारण थे, जो तुर्क थे उनकी सफलता के निम्नलिखित कारण हो जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सैनिक कारण कौन कौन से थे, जिस जो कि राजपूतों की पराजय हुई और तुर्कों की विजय हुई। ठीक है, तो बढ़ते हैं, पहला जो कारण हो जाता है वो हो जाता है रणनीति में अंतर। किसमें, रणनीति में अंतर, युद्ध क्षेत्र में अंतर कह सकते हैं, रणनीति है ना, युद्ध क्षेत्र के अनुसार जो रणनीति बनाई उसमें क्या पाया गया, तुर्कों में और राजपूतों में कुछ अंतर देखने को मिले, जिनको हम देखते हैं। तुर्कों ने निरंतर संघर्षपूर्ण, क्या, तुर्क जो थे उन्होंने निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन में युद्ध कला का सतत विकास किया। जैसे ही समय बदलता गया, समय के अनुसार वे अपने अस्त्र शस्त्र वगैरह को चेंज करते रहे, मतलब उसमें विकास करते रहे। वे नवीन युद्ध प्रणालियों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे, किसका, जो नई नई युद्ध प्रणालियां आती थी, अस्त्र शस्त्र आते थे, उनका प्रयोग करते थे। जबकि राजपूत किस पर थे, परंपरागत, जो उनके बुजुर्ग लोग थे उसी पर निर्भर थे। राजपूत परंपरागत युद्ध नीति में विश्वास रखते थे, इसलिए जो राजपूत थे वो क्या हुए, पराजित हुए और तुर्कों की विजय हुई। नेक्स्ट जो हमारी हो जाती है हेडिंग, वो कौन सी होती है, हथियारों का प्रयोग। राजपूतों की सेना में हाथियों का प्रयोग दे रखा है ना, हाथियों का। राजपूतों की सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा थी, जो राजपूत थे उनकी सेना में जो हाथी थे उनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी। जो अग्रभाग में चलते थे, कहां पर, आगे चलते थे, घायल हो जाने पर वे अपनी ही सेना को रौंदते चले जाते थे, है ना। तो भाई ये उनमें कमी थी, बुद्धि में कमी थी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बदनसीबी साबित हुई, है ना, उनकी बुद्धि में कमी थी, जो कि भाई क्या करते थे, हाथियों को वह आगे भेजते थे। तो एक कारण हमारा ये हो जाता है हाथियों का प्रयोग। बात करते हैं तीसरा जो हमारी हेडिंग हो जाती है, वो हो जाती है अश्वरोही सेना, मतलब घोड़ों की सेना, अश्वरोही सेना। ठीक है, बात करते हैं तुर्कों की अश्वरोही सेना ही उनकी वास्तविक शक्ति थी। क्या थी वास्तविक शक्ति, क्या थी, घोड़ों की सेना। उनके पास बलिष्ठ तीव्र गति घोड़े थे, कैसे थे, बलिष्ठ और तीव्र गति, मतलब अच्छी जाति के कह सकते हैं थे, जबकि राजपूतों की सेना में अधिकांश पैदल सेना तथा सीमित संख्या में अश्वरोही सेना थी, सीमित थी तथा कैसी थी, परंतु घोड़े निम्न स्तर के थे, मतलब निम्न जाति के हो सकते हैं, देखा है, इसलिए राजपूत तुर्क सेना का मुकाबला नहीं कर सके। ठीक है, एक हमारी हेडिंग हो जाती है अश्वरोही सेना में कमी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रही है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी कह रही है क्वेश्चन नंबर 4,
स्थाई सेना का अभाव था। राजपूत जो थे उनमें क्या था, स्थाई सेना का अभाव था। जैसे कि राजपूतों के पास स्थाई सेना नहीं थी बल्कि सामंती सेना थी। कैसे थी? सामंती सेना थी, जो कैसी थी, जो शिक्षा, अनुशासन, संगठन और नेतृत्व की समस्या से ग्रसित थी। इनमें ना ही शिक्षा थी, ना ही इनके पास शिक्षा थी, ना ही अनुशासन था इसकी सेना में, ना ही संगठन था और ना ही नेतृत्व। कोई नेता अच्छा था जो नेतृत्व उसका निभा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें समस्या से ग्रसित थी, अतः सामना कर पाना संभव नहीं था, है ना। जब उसकी शिक्षा, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, कोई शिक्षित लोग नहीं है, अनुशासन भी अच्छा नहीं है उनकी सेना में, संगठन भी अच्छा नहीं है, तथा नेतृत्व तो है ही नहीं, है ना। नेतृत्व ही मेन भूमिका निभाता है, जो नेता होते हैं, है ना, जो कह सकते हैं एक सेनापति, तो उसमें भी मतलब उस वो भी ग्रसित थे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्या हुआ, राजपूतों को पराजित होना पड़ा, मतलब मुंह की खानी पड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाती है हेडिंग नंबर 5, आक्रामक नीति। कौन सी? आक्रामक नीति। तुर्कों की आक्रामक नीति के कारण राजपूत सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। वो कैसे डरते थे? जैसे मधुमक्खी डरती है ना, उसी प्रकार से डरते थे, और परिमाण सदैव कटु रूप में ही मिलता था, किंतु सदैव आक्रामक दृष्टिकोण अपनाते थे। जो तुर्क थे, तुर्क क्या करते थे? सदैव आक्रामक दृष्टिकोण अपनाते थे। राजपूतों की दृष्टिकोण क्या था? सदैव रक्षात्मक था, बस सिर्फ हम अपनी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी तुर्क क्या रहे? सफल रहे। हेडिंग कौन सी थी? आक्रामक नीति। इनकी, तुर्कों की। अगले बढ़ते हैं, हेडिंग हमारी हो जाती है 6, जो कहती है सुरक्षित सेना। क्या भाई? सुरक्षित सेना। तो कौन सा हो जाता है भाई? सुरक्षित सेना हो जाती है ना, सुरक्षित सेना। तो यहां देखते हैं क्या था, सुरक्षित सेना हेडिंग जो हो जाती है उसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है, है ना। तो बात करते हैं, तुर्क सदैव सुरक्षित सेना के बल पर ही अंत तक मुकाबला करते थे। कैसे? सुरक्षित सेना, उसकी स्वास्थ्य अच्छा हो, है ना, मतलब वो अपने शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, मतलब सुरक्षित सेना होगी तभी क्या करेगी, वो लड़ पाएगी। तो मुकाबला करने में समर्थ थे, जबकि राजपूत अपनी पूरी शक्ति को एक बार में ही प्रयोग कर लेते थे। ये भी हो जाता है, सुरक्षित सेना मतलब क्या है, सुरक्षित सेना को रखना, है ना। ये एक हो जाता है कि एक सेना टुकड़ी भेजी, फिर दूसरी भेजी तोड़ने के बाद, ठीक है। तो वही हो जाता है, राजपूत क्या करते थे, एक साथ सभी शक्ति अपनी लगा देते थे, ठीक है, इसलिए भी उन्हें मुंह की खाने पड़ी। आगे बढ़ते हैं, अपना हो जाता है ये हेडिंग नंबर 7 हो जाएगी, जिसे कहते हैं सैन्य संचालन में अंतर। उनके सैन्य संचालन जो था उसमें भी क्या था, अंतर था। जैसे कि तुर्क सेना का संचालन श्रेष्ठ था, कैसा था, अच्छा था। तुर्क सेनापति पृष्ठ भाग में रहकर संचालन करता था, कहां पृष्ठ मतलब पीछे रहकर क्या करता था, सेना को बस मोटिवेट करता रहता था, है ना। फिर बात करते हैं, जबकि अग्रभाग में राजपूत सेनापति के होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते थे। कहां रहता था राजपूतों का? आगे, भाई सबसे पहले मर जाएगा तो सेना वैसे ही भाग जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से भी राजपूतों के जो परिणाम थे वो सही नहीं मिल पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग नंबर अपनी हो जाती है 8। हेडिंग नंबर 8 क्या कहती है? ये कहती है संपूर्ण युद्ध की धारणा। क्या? संपूर्ण युद्ध जो कि तुर्कों में हुआ, राजपूतों में हुआ, उनकी धारणा क्या कहती है संपूर्ण युद्ध की, ये देखो। तो बात करते हैं, तुर्क और राजपूतों के युद्धों का स्वरूप और उद्देश्य भिन्न था। स्वरूप और उद्देश्य क्या था? भिन्न था। तुर्क क्या करते थे? हड़पने के लिए लड़ते थे, तथा राजपूत क्या होते थे? अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए लड़ते थे, ठीक है। दोनों का उद्देश्य क्या था? भिन्न भिन्न था। तुर्क युद्ध को संपूर्ण युद्ध के रूप में लेकर पूरी शक्ति झोंक देते थे। तुर्क क्या करते थे? भाई हमें हासिल करना ही करना है। मगर राजपूत क्या करते थे? भाई हमें सिर्फ बचाना ही बचाना है ना। तो भाई देखा है, तुर्क युद्ध को संपूर्ण युद्ध के रूप में लेकर पूरी शक्ति झोंक देते थे, जबकि राजपूत छल, धोखा, लालच और लालच में आकर मध्य में ही उद्देश्य की जो नीति होती थी उसे बदल देते थे कि भाई इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे, अब ये वाली अपनाओ। आधी सेना लड़ रही है और आधी सेना क्या कर रही है, उनकी नीति पर चल रही है। तो ये भी एक प्रकार से अनुशासन नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर बा क्या देखने को मिलेगी, राजनीतिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं तुर्कों की सफलता के और राजपूतों की असफलता के। बढ़ते हैं फटाफट भाई,
राजनीतिक कारण कौन कौन से हो जाते हैं, अब तक हमने देखे सैनिक कारण, अब हम देखेंगे किसके लिए, राजनीतिक कारणों के लिए। तो राजपूतों की पराजय के निम्नलिखित राजनीतिक कारण थे। पहला था राजपूतों की पराजय का कौन सा था राजनीतिक कारण, वह होता वंशानुगत राजत्व प्रणाली। कौन सा था, वंशानुगत राजत्व प्रणाली, मतलब वंशानुगत, अगर राजा है तो राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो यह हो जाती है वंशानुगत प्रणाली। तो इस्लाम में कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से निर्वाचन प्रणाली थी। इस्लाम में क्या थी, निर्वाचन प्रणाली होती थी। तुर्कों में क्या होती थी, सैद्धांतिक दृष्टि से निर्वाचक प्रणाली होती थी, जिसमें योग्य व्यक्ति को ही सर्वोच्च पद पहुंचने पर अग्रसर दिया जाता था। मतलब जो योग्य व्यक्ति है वही क्या पहुंचेगा, सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा। परंतु राजपूतों में वंशानुगत प्रणाली थी कि वंश का जो है भाई मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। सामंती प्रणाली पर राजपूतों की राज व्यवस्था पर निर्भर थी। सामंती प्रणाली पर राजपूतों की राज व्यवस्था पर निर्भर थी। राजनीतिक एकता का इसमें अभाव था। किसमें, राजपूतों में राजनीतिक एकता का क्या था, अभाव था। वह सामंती व्यवस्था राजनीतिक पतन की चरम सीमा तक पहुंच गई थी, जो आक्रामक से अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। ठीक है, इस प्रकार से इनकी राजनीतिक प्रणाली हो जाती है। कैसी, वंशानुगत राजत्व प्रणाली, एक हमारी हेडिंग ये हो जाती है। आगे देखते हैं हेडिंग नंबर सेकंड क्या कह रहा है। हेडिंग नंबर अपना सेकंड जो कह रहा है वो कह रहा है राजनीतिक एकता का अभाव। क्या, राजनीतिक एकता का अभाव भी आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो हो जाता है तुर्कों की विजय सार्वभौमिक साम्राज्य न होने से संभव हो सकी। तुर्कों की विजय सार्वभौमिक साम्राज्य न होने से क्या हुई, संभव हो सकी, क्योंकि उनमें एकता नहीं थी, सार्वभौमिक साम्राज्य नहीं था राजपूतों में, इसलिए वह क्या हुए, सफल रहे। अगर प्रतिहारों के समान शक्तिशाली साम्राज्य ने राजनीतिक एकता और स्थापित की होती तो देश की उत्तर सीमा को सुरक्षा संभव होती। ठीक है, अगर वह राष्ट्रीय एकता, मतलब उनमें एकता देखने को मिलती, राजनीतिक एकता स्थापित होती राजपूतों में, ठीक है, तो देश की जो उत्तर सीमा थी उसकी सुरक्षा संभव होती। ठीक है, ये कह रहे हैं यहां पर, उत्तर सीमा जो थी वो क्या थी, सुरक्षित होती। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग नंबर अपनी हो जाती है 3, वो हो जाती है अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता की उदासीनता। जो भारतीय जनता थी उनकी उदासीनता, क्योंकि भारतीय जनता जो थी उसमें युद्ध का, मतलब भारतीय जो सैनिक कह सकते हैं, ठीक है, भारतीय सेना कह सकते हैं, राष्ट्रीय सेना कह सकते हैं, उनसे तो इन्होंने युद्ध किया ही नहीं था, है ना, करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ राजपूतों को ही क्या करते थे, परास्त करते थे और सारा राज्य हड़प लिया करते थे। उसी प्रकार से देखा है भारतीय जनता की उदासीनता, जैसे भारतीयों की राष्ट्रीय सेना का सामना तुर्कों को कभी नहीं करना पड़ा। वही रखा है जो मैंने कहा कि भारतीयों की राष्ट्रीय सेना का सामना तुर्कों को कभी नहीं करना पड़ा। तुर्कों की विजय का कार्य भारतीय जनता की उदासीनता से सरल हो गया। राजपूतों की पराजय के बाद वे राज पर अधिकार कर लिया करते थे। ठीक है, तो भारतीय जो राष्ट्रीय सेना है उससे क्यों लड़ेंगे, जब राजपूतों को ही परास्त कर पूरे के पूरे राज्य पर अधिकार कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारी हेडिंग कौन सी हो जाती है, भारतीय जनता की उदासीनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग नंबर बढ़ते हैं अपनी 4 की ओर। हेडिंग नंबर 4 हमारी कह रही है कि तुर्कों का योग्य नेतृत्व, कौन सा, तुर्कों का योग्य नेतृत्व क्या था, इसको देखते हैं। तुर्कों का सैन्य संचालन कुशल नेतृत्व के हाथों में था। नेतृत्व मतलब नेता, ठीक है, तो कुशल नेता के हाथों में था, जो निर्णय लेने तथा वार करने में देरी नहीं करते थे। निर्णय लेने और वार करने में देरी नहीं करते थे, इससे परिणाम उनके पक्ष में जाते थे, है ना। एक हमारी हेडिंग हो जाती है तुर्कों का योग्य नेतृत्व, मतलब योग्य नेता, नेतृत्व को नेता ही कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अब बात करते हैं हमारी 5 जो हेडिंग हो जाती है, वो हो जाती है राजपूतों की झूठी शान। ठीक है, राजपूतों की झूठी शान, इस हेडिंग को देख लेते हैं। बात करते हैं राजपूतों की झूठी आन बान और शान को विचारधारा ने उन्हें हठधर्मी और घमंडी बना दिया था। क्या बना दिया था भाई, हठधर्मी और घमंडी बना दिया था, जिससे वह आपस में लड़ते रहते थे और समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको सताते रहते थे, जिससे सद्भाव नहीं था।
जब भाई कमजोर वर्ग को तुम सता रहे हो तो तुम्हारा साथ कौन देगा, है ना। वही बात यहां पर हो जाती है कि राजपूतों की झूठी शान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी हो जाती है, सॉरी ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, वो हो जाती है सा। अब तक हमने क्या देखे, सैनिक कारण देख लिए, राजनीतिक कारण देख लिए, अब हम क्या देखने वाले हैं, सामाजिक तथा धार्मिक कारण यहां पर देखेंगे। क्या सामाजिक तथा धार्मिक कारण तुर्क और राजपूतों के। बात करते हैं राजपूतों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, भेदभाव क्या थी, भेदभाव असमानता और छुआछूत पर आधारित दोषपूर्ण और आत्मघाती थी। कैसी थी, राजपूतों की जो सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति थी वो भेदभाव असमंजस असमानता, भेदभाव असमानता छुआछात छुआछूत पर आधारित दोषपूर्ण और कैसी थी, आत्मघाती थी, है ना। वो मतलब कहते हैं ना कि वह अपनी जाति को बड़ा मानते थे, बाकी जाति को छोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी बात छोटी जाति तो थी, इनका समर्थन नहीं करती थी। आगे बढ़ते हैं, या उनको भाग ही नहीं लेने देना कर, भाग ही नहीं लेन ये लेने देते थे, ठीक है, किसी भी चीज में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हेडिंग नंबर हो जाएगी सामाजिक और धार्मिक कारण। पहला जो होता है जाति प्रथा और रूढ़िवादिता, ठीक है, जाति प्रथा एवं रूढ़िवादिता पहली हेडिंग है, इसको देखते हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का आधार जाति थी, हिंदू क्या थी, सामाजिक व्यवस्था का आधार जाति थी, जिसमें केवल क्षत्रियों पर युद्ध का उत्तरदायित्व था। क्षत्रिय जो होते हैं ना उन पर ही युद्ध का दायित्व था कि वही युद्ध क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। मुस्लिम समाज में समानता थी, क्या थी, मुस्लिम समाज में समानता थी और प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध और राज्य का अधिकार प्राप्त था। जब भाई यहां पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्षत्रिय ही लड़ेंगे युद्ध के लिए, बाकी कोई नहीं लड़ेगा, और मुस्लिम में सभी लोग लड़ते थे, है ना। तो इसका मतलब उनकी जन उनकी जो कह सकते हैं सेना जो हो जाएगी वो क्या थी, बड़ी थी, ठीक है। तो एक कारण तो हमारा ये हो जाता है कि जाति एवं रूढ़िवादिता। आगे देखते हैं, सेकंड जो हेडिंग होती है, सेकंड हेडिंग हमारी कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है राष्ट्रीय भावना का अभाव। इनमें क्या पाया गया भाई, राष्ट्रीय भावना का अभाव भी यहां पर देखने को मिलता है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने संकीर्णता उत्पन्न की। क्या कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्थाओं, जाति व्यवस्था होती है, ठीक है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी जाति जो होती है, वो कह रहा है भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने संकीर्णता उत्पन्न की, भारतीयों में संपूर्ण समाज या राष्ट्र की भावना उत्पन्न ना हो सकी, ठीक है। तो एक हमारा कारण हो जाता है राष्ट्रीय भावना का अभाव, क्योंकि जाति अलग अलग थी, क्षत्रिय ही लड़ेंगे, है ना, राजपूत ही लड़ेंगे, बाकी कोई नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है राष्ट्रीय भावना का अभाव, इस प्रकार से देखने को मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिंदुओं का सांस्कृतिक पतन, हिंदुओं का सांस्कृतिक पतन। तो संस्कृति होती है, वहां पर दे रखा है कि भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया, हाँ धर्म के क्षेत्र में बाम बाम मार्ग क्या होता है भैया, कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं। कह रहा धर्म के क्षेत्र में बाम मार्ग का विस्तार, मंदिरों में बड़ी संख्या में देवदासियों का होना और अश्लील साहित्य ने हिंदू धर्म को शक्ति और पवित्रता समाप्त कर दी थी, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि धर्म के क्षेत्र में वाम मार्ग का विस्तार, वाम मार्ग का विस्तार हुआ, मंदिरों में बड़ी संख्या में देवदासियों का होना और अश्लील साहित्य ने हिंदू धर्म का शक्ति और पवित्रता समाप्त कर दी थी, ठीक है। तो एक तो हमारी हेडिंग होती है हिंदुओं का सांस्कृतिक पतन, ठीक है, ये हेडिंग कुछ अजीब है, ठीक है, इसको छोड़ देना, और बाकी सारी हेडिंगें हैं इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बात करते हैं, हेडिंग नंबर होती है फोर, हेडिंग नंबर फोर क्या कहती है, तुर्कों में जिहाद की प्रेरणा। तुर्क जो होते हैं उनमें क्या थी, जिहाद इसे कहते हैं ना, सॉरी जिहाद कह रहा था, तुर्कों में जिहाद की प्रेरणा, है ना। बात करते हैं धर्म युद्ध की प्रेरणा तुर्कों में थी कि भाई हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम ही रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, है ना। तो ये हो जाती है जिहाद, है ना, कि भाई जैसे कह सकते हैं जिहाद से लड़ते हैं ना, या सुन्नी में हुई थी उसको देख सकते हो। तो बात करते हैं तुर्की में जिहाद की प्रेरणा, धर्म युद्ध की प्रेरणा तुर्कों में थी, वे समझते थे कि वे इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हैं जो उनकी धार्मिक कर्तव्य है, है ना। वे क्या समझते थे कि भाई हम इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हैं जो हम उनका धार्मिक कर्तव्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो तुर्कों में जिहाद की प्रेरणा थी। आगे बढ़ते हैं, फाइव जो हेडिंग हो जाती है वो कौन सी हो जाती है,
वो हमारी हो जाती है हिंदुओं का भाग्यवादी होना। क्या? हिंदुओं का भाग्यवादी होना। हिंदू भाग्यवादी दृष्टिकोण रखते थे और संसार को नव वर्ष मानते थे। क्या मानते भाई? संसार को याद रखा है, हिंदू भाग्यवादी दृष्टिकोण रखते थे और संसार को नश्वर मानते थे। संसार का मानते थे भाई? नश्वर मानते थे और पराजय को भाग्य मानते थे। पराजय को क्या मानते थे? भाग। जबकि तुर्क भौतिकवादी थे। तुर्क कैसे थे? भौतिकवादी थे और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना तथा इसके लिए संघर्ष करना जानते थे, है ना। कैसे थे? जो तुर्क जो थे वो भौतिकवादी थे और सांसारिक वस्तुओं को, जो संसार में वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करना तथा उनके लिए संघर्ष करते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है हिंदुओं का भाग्यवादी होना, ठीक है। ये भाग पर विश्वास करते थे और ये अपने कर्म पर विश्वास करते थे। बात करते हैं छठा जो हो जाता है, वो जाता है तुर्कों की दास प्रथा, ठीक है। तुर्कों में दास प्रथा यहां पर देख लेते हैं। तो बात कहते हैं हेडिंग 6 हो जाती है तुर्कों की दास प्रथा। तुर्कों की विजय में उनकी दास प्रथा का योगदान था। जो तुर्कों की विजय हुई थी उसमें किसका योगदान था? दास प्रथा का योगदान था। उसने एक संघर्षशील वर्ग का निर्माण किया। किसका? एक संघर्षशील वर्ग का निर्माण किया जिससे युद्ध में सहायक और समूह की उपलब्धता रहती थी और कार्य समापन हो जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता है गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो उसने बहुत सारे युद्धों में उसकी सफलता की थी। तो वही हो जाता है तुर्क की विजय के विजय में उनकी जो दास प्रथा थी वो क्या था? दास प्रथा का भी वहां पर योगदान देखने को मिलता है। इसने एक संघर्षशील वर्ग का निर्माण किया जिससे युद्ध में सहायक समूह की उपलब्धता रहती थी और कार्य समापन हो जाते थे और जीत उन्हें प्राप्त होती थी। बात करते हैं रूढ़िवादिता। कौन सी होती है? रूढ़िवादिता। तो भारतीय समाज रूढ़िवादी, गतिहीन और प्रगतिशील था। कैसा था भाई? रूढ़िवादी था। उनमें क्या पढ़ते थे? कह सकते हैं रूढ़िवाद, मतलब एक जाति दूसरी जाति लड़ती रहती थी और गतिहीनता थी तथा अप्रगतिशील था, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है रूढ़िवादिता एक हेडिंग। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें दा देखने को मिलेगा वो मिलेगा आकस्मिक कारण, ठीक है। ये लास्ट ही है ना? बिल्कुल, बस यही हो जाता है, पर उसके बाद खत्म है ये क्वेश्चन। बात करते हैं आकस्मिक कारण, तो इसको देख लेते हैं। तो तुर्कों की विजय में कुछ आकस्मिक कारणों, राजपूत राजाओं की भूलों का भी योगदान था। क्या था? राजपूत राजाओं की जो भूल थी उनका भी योगदान है। फिर रखा है जयपाल शाही को भूटान का है? नहीं, कौन सी लाइन है भाई? ठीक है, यही है कि योगदान है और जयपाल शाही का तूफान का सामना करना पड़ा। जयपाल शाही को किसका सामना करना पड़ा था? तूफान का सामना करना पड़ा और आनंदपाल के हाथी का बिगड़ना। कौन था? आनंदपाल के हाथी का बिगड़ना, जयचंद्र की आंख में तीर लग जाना। अच्छा, यहां पर कुछ दे रखे हैं, देखो यहां पर कुछ मेन पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, जिनको आपको ध्यान से देखना है। जो आकस्मिक कारण है उनको ध्यान से देखना है, ठीक है। इन्हें याद करना पड़ेगा आपके लिए कि तुर्कों की विजय के कुछ आकस्मिक कारण भी जो थे, मतलब प्रकृति के कुछ पहाड़ होते हैं ना, मतलब कह सकते हैं ये होना है तो ये होना है, ठीक है। तो वह जो कारण हो जाते हैं और राजपूत राजाओं की भूल का भी योगदान है। राजपूत राजाओं में कुछ भूल देखने को मिलती है, वह हो जाते हैं। जैसे जयपाल शाही को तूफान का सामना करना पड़ा था। किसका? तूफान का, ठीक है। तो इसलिए वह हार गए थे। और आनंदपाल के हाथियों का बिगड़ना, उनके हाथी बिगड़ गए थे, ठीक है, कंट्रोल में नहीं थे। तथा जयचंद्र की आंख में तीर लग जाना, एक ये हो जाता है। और बख्तियार खिलजी को घोड़े का व्यापारी समझना, जो बख्तियार खिलजी था उसको उन्होंने क्या समझा था? घोड़े का व्यापारी समझा था, ठीक है, ये समझना। आदि अनेक घटनाओं ने तुर्कों की विजय में योगदान दिया। आपको पता है मुसलमान सारे के सारे इतिहास में इसमें दे रखा है कि वह क्या? छल कपट करते थे, ठीक है। तो वही छल कपट दे रखा है कि बख्तियार खिलजी को घोड़े का व्यापारी समझना, है ना। अब बात करते हैं निष्कर्ष। राजपूतों के समाज राजनीतिक व्यवस्था में यह शक्ति नहीं थी कि वह ब्रह आक्रमण का सामना कर सकती। जो राजपूतों के समाज होता है उसमें राजनीतिक व्यवस्था में यह शक्ति नहीं थी कि वह ब्रह आक्रमण का सामना कर सकती। राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता और गौरव संकीर्ण
स्वार्थों के नीचे दबकर रह गए थे। कौन? राजपूत। ठीक है, तो इस प्रकार से राजपूत जो थे वो लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, सीधी बात यह थी। मगर जो तुर्क थे वो क्या करना चाहते थे? वो भाई हड़पना चाहते थे। ठीक है, वो जिहाद के लिए लड़ रहे थे, मतलब पूरे ब्रह्मांड पर क्या चाहते हैं जिहाद वाले? वो चाहते हैं मुस्लिम ही शासन हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब दबाकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।